आइए आज हम आरपीएम के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए आरपीएम क्या होता है। आरपीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेड हैट पैकेज मैनेजर। और रेड हैट पैकेज मैनेजर इसका काम क्या होता है और इससे रिलेटेड चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में क्या है कि व्हाट इज़ आरपीएम। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आरपीएम है क्या। तो आरपीएम बहुत सारी फाइल्स को मिलाकर बनाया गया एक ऐसा प्रोग्राम या एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर बहुत सारी बाइनरी इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल और डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स होती हैं। यानी जो बहुत सारी इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल और डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स को मिलाकर बनाया गया एक प्रोग्राम या एप्लीकेशन जो है वो इसमें आरपीएम होता है। लाइनेक्स में जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आरपीएम के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं, यानी उनकी इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन आरपीएम के द्वारा भी की जाती है। इसमें एक्सटेंशन जो है वो इसका आरपीएम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि विंडोज़ में आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसमें एक्सटेंशन आपको दो दो तरीके के एक्सटेंशन मिलते हैं विंडोज़ में, एक तो .exe और एक .msi। इसी तरीके से लाइनेक्स में क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं उनका एक्सटेंशन आपको आरपीएम भी देखने को मिलेगा। आरपीएम की फुल फॉर्म जैसा कि मैंने बताया रेड हैट पैकेज मैनेजर होती है। तो चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड बात आती है हमारी नेमिंग कन्वर्जन से रिलेटेड, नेमिंग कन्वर्जन। चलिए अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स का ध्यान देंगे। मैं सबसे पहले इसका कंसोल ओपन करता हूँ। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नेमिंग कन्वर्जन के लिए आपको सबसे पहले मैंने इसमें एक पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है और उसे मैं देखना चाहता हूँ। देखिए इसमें मैं आपको एक पैकेज के बारे में बताऊँगा, VSFTPD। ये बेसिकली FTP सर्वर के लिए इंस्टॉल किया जाने वाला पैकेज है। तो RPM स्पेस -QA स्पेस VSFTPD ये मैंने लिखा, और इससे मुझे पता लगा कि जो मैंने VSFTPD पैकेज जो इसमें इंस्टॉल किया है उसका जो प्रॉपर नेम है वो इतना है, ये जो मैं आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि इसका नेमिंग कन्वर्जन का क्या हिसाब किताब है मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखो इतना ये तो होता है इसमें पैकेज का नाम, जैसा कि मैंने डाला भी है VSFTPD, ये क्या है पैकेज का नाम, ठीक है। देन उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है इसका वर्जन नंबर, यानी VSFTPD का 2.2.2 ये वर्जन मेरे फिलहाल सिस्टम में इंस्टॉल है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक ये दो चीज़ें हैं, एक बिल्ड और एक रिलीज, यानी कि ये तो मेरा 6 बिल्ड है, और EL मतलब RHEL या RHEL रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स में जो EL है एंटरप्राइज लाइनेक्स 6, ये RHEL 6 के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे ये बता रहा है टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, यानी इसका आर्किटेक्चर किस टाइप का है, आर्किटेक्चर यानी इसके ये कौन से प्रोसेसर के लिए बना हुआ है। तो ये बेसिकली इसका नेमिंग कन्वर्जन होता है, यानी आप जो भी RPM इसमें देखोगे हर किसी का कोई ना कोई नाम होगा। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा कि इसमें मैंने एक लाइनेक्स की DVD लगाई हुई है, ये नहीं मेरी लाइनेक्स की DVD डाली हुई है। इसमें देखो एक पैकेज नाम का फोल्डर होता है और इसके अंदर आपको सारे RPMs मिल जाएंगे। तो मैं जिस जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे मैं VSFTPD की बात कर रहा था, ये बेसिकली पैकेज है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। VSFTPD आप जो देख रहे हो उसमें इसका नाम भी है 2.2.2, ये इसका वर्जन है। 6 जो है इसका बिल्ड है, EL6 का मतलब RHEL6 के लिए है ये, और I686 जो है इसका टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, और RPM क्या है इसका एक्सटेंशन। आई होप कि आपको इसका नेमिंग कन्वर्जन समझ आया होगा। देन उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हम ये कैसे चेक करते हैं कि मेरा जो सिस्टम है उसमें हार्डवेयर के किस टाइप का लगा हुआ है, यानी ये 32 बिट का है या 64 बिट का है, या टाइप ऑफ आर्किटेक्चर क्या है। तो इसमें एक कमांड है यू नेम स्पेस -P, इससे आप पता लगा सकते हो कि मेरा जो टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है या इसमें किस टाइप का CPU लगा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये कमांड डाल सकते हैं यू नेम स्पेस -P, और ऐसे ही यू नेम स्पेस -I से भी इस बात का पता लगाया जा सकता है। तो आपने दूसरी बात भी आपके समझ आ गई होगी कि RPM में जो नेमिंग कन्वर्जन है
वो किस तरीके से होता है, यानी नाम जो पैकेज का कंप्लीट नाम होता है वो किस किस तरीके से होता है, उसमें कितना कौन सा हिस्सा किस चीज़ के लिए। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि जो हमारा पूरा आरपीएम पैकेज का नाम होता है वो बेसिकली कई सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे उसमें पूरे आरपीएम पैकेज के नाम में एक तो होता है पैकेज नेम, दूसरा वर्जन, तीसरा बिल्ड, चौथा रिलीज और पांचवा आर्किटेक्चर, और लास्ट में जो है डॉट आरपीएम यानी कि उसका एक्सटेंशन हो गया। चलिए अब आते हैं हम तीसरी बात पे, डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी देखिए कि डिपेंडेंसी होती क्या है। डिपेंडेंसी के बारे में हम देखेंगे, जब हम किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो हमें कई बार एक एरर को फेस करना पड़ता है और उस एरर का नाम होता है फेल्ड डिपेंडेंसी। मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैंने इसमें जो डीवीडी डाली हुई है, डीवीडी के अंदर चलते हैं, मीडिया के अंदर ये मेरी डीवीडी है और यहाँ पे मैंने पैकेजेस के अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको वो एरर दिखाऊंगा पहले, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। RPM स्पेस माइनस IVH, ये बेसिकली RPM किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने की कमांड है। RPM स्पेस माइनस IVH, और मैंने जैसे टाइगर VNC माइनस सर्वर, ये एक पैकेज है, मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मुझे एक एरर फेस करना पड़ रहा है, और ये क्या कह रहा है कि फेल्ड डिपेंडेंसीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, इस केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइगर VNC सर्वर की, तो हम जैसे ही इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसमें जो एरर आ रहा है फेल्ड डिपेंडेंसीज, और वो ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि ये जो टाइगर VNC वाला पैकेज है ये फुल फीचर्ड रहे, यानी इसके अंदर जितने फीचर हैं सारे काम करें, तो आपको उनके उसके लिए पहले ये पैकेज है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी हम जिस पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है, यानी वो किस कंडीशन में इंस्टॉल किया जा सकता है, उसके लिए प्री रिक्वायर्ड जो RPMs हैं उन्हें डिपेंडेंसी बोला गया है। डिपेंडेंसी क्यों ज़रूरी होती है कि हम जिस पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं वो फुल फीचर्ड रहे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिपेंडेंसीज पहले इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। और आपने देखा भी कि मैं यहाँ पर टाइगर VNC माइनस सर्वर वाले पैकेज को इंस्टॉल कर रहा था, तो यहाँ पे भी एक डिपेंडेंसीज का एरर आया है। RPM का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बट हम फिर उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी है। तो डिपेंडेंसी, आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, और रिजल्व करना भी इनको मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, वो है क्वेरी, कि हम RPM में क्वेरी जो है कितने तरीके से क्वेरी चला सकते हैं और किस किस क्वेरी का मतलब क्या होता है। देखो तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेरी का मतलब क्या होता है। क्वेरी का मतलब होता है सिस्टम से आप कोई भी बात पूछना चाहते हो, सिस्टम आपको उसका जवाब देगा, ठीक है। अब ये क्वेरी क्या होती है, बहुत सारी क्वेरी होती हैं, और किसका क्या मतलब होता है इसको मैं बताऊंगा। सब चलिए सबसे पहले मैं अभी जो टाइगर VNC सर्वर इस पहले पैकेज को इंस्टॉल कर रहा था, इसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस अपने सिस्टम से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई मेरा ये जो टाइगर VNC सर्वर वाला जो पैकेज है इसे इंस्टॉल करने के लिए मुझे कौन कौन सी डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो RPM स्पेस माइनस Q R स्पेस माइनस P, इससे क्या होगा, इससे इसका जो रिजल्ट आएगा, इस कमांड का जो रिजल्ट आएगा उसमें मुझे ये पता लगेगा कि टाइगर VNC माइनस सर्वर नाम के पैकेज को प्रॉपर काम करने के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसीज की ज़रूरत है। अब हो सकता है कि वो जो डिपेंडेंसी हैं कुछ तो इसमें पहले से इंस्टॉल होंगी और कुछ आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखना देखते ही हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, RPM माइनस QR के बाद में माइनस P ऑप्शन हम जब लगाते हैं जब हम किसी पैकेज का पूरा नाम दे रहे हैं। हमारे पास ये पैकेज रखा हुआ है टाइगर VNC माइनस सर्वर, और ये पूरा यहाँ RPM तक, तो अगर हम RPM एक्सटेंशन के साथ में यहाँ पे, क्योंकि ये पैकेज अभी इंस्टॉल नहीं है, ये पैकेज अभी इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसे इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, लेकिन इंस्टॉल करने से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें मेरी जो इसकी क्या क्या डिपेंडेंसी है। तो देखो इसने मुझे बता दिया कि पूरी इस आपकी इतनी टोटल डिपेंडेंसी है, और इसमें जो XORG X11 वाला जो फॉन्ट वाला था ये वाली डिपेंडेंसी
जो है वो इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा था, बाकी डिपेंडेंसीज इसकी ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड हैं, यानी उसे प्रॉपर काम करने के लिए इतनी सारी चीज़ें उसके साथ में उसका सपोर्ट करेंगी, तब जाके वो प्रॉपर काम कर पाएगा। अब दूसरी कंडीशन में ये देखता हूँ, दूसरी कंडीशन में ये देखता हूँ कि अगर मुझे ये देखना है कि कोई पैकेज मेरा इंस्टॉल है, एग्जाम्पल के लिए VSFTPD था, देखो मैं आपको बता देता हूँ, RPM देखो इसमें जो दूसरा था वो VSFTPD था, और मैं उसके बारे में पता करना चाहता हूँ कि जो पैकेज इंस्टॉल है उसकी क्या क्या डिपेंडेंसी है। अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो पैकेज इंस्टॉल नहीं है उसकी कैसे डिपेंडेंसी चेक करते हैं, उसकी डिपेंडेंसी का के बारे में डिटेल में कैसे पता करते हैं। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि जो पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसकी डिपेंडेंसी के बारे में डिटेल में हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, RPM स्पेस माइनस QR स्पेस और उस पैकेज का VSFTPD, क्योंकि ये मेरा पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसके बारे में मुझे पता लग जाएगा कि VSFTPD को प्रॉपर काम करने के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मुझे जितने भी इसमें पैकेज हैं, जितने भी इंस्टॉल्ड पैकेज हैं, मैं सभी की लिस्ट देखना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड हैं, तो उसके लिए कमांड चलानी पड़ेगी RPM -QA QL के एंटर मार दो, सारे डिटेल बता देगा, बट मुझे स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पाइप लगाऊंगा और लेस लिख दूंगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आप एक तरफ से सारे पैकेज को देख सकते हो कि कौन कौन से पैकेज इसमें इंस्टॉल्ड है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको पैकेज का पूरा प्रॉपर नाम नहीं पता है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ RPM -QA स्पेस देके विम, और मैं देख रहा हूँ कि ये कह रहा है कि VM इसका तो कोई रिजल्ट नहीं आया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, RPM -QA देखो ये कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे मुझे अगर ये इससे उस केस में यूज़ करता हूँ कि जब मुझे पैकेज का प्रॉपर नाम नहीं पता है, तो आप देखोगे VIM नाम का कोई पैकेज नहीं था, लेकिन मैंने जब ये कमांड बताई तो मुझे पता लगा कि VIM से रिलेटेड ये पैकेज इसमें इंस्टॉल हैं। ठीक है, और उसके बारे में एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसी पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसमें VSFTPD डाला हुआ है, RPM -QI स्पेस VSFTPD, तो आप देखोगे कि इससे इस पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, किस टाइप की इंफॉर्मेशन, इसका प्रॉपर नाम क्या है, इसमें की इंस्टॉलेशन डेट क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसका वर्जन क्या है। तो देखो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप देख पा रहे हो कि इसका नाम क्या है, आप देख सकते हो ये नाम है इसका, ये प्रॉपर इसका वर्जन नेम है, ठीक है, ये इसका रिलीज है, ये इंस्टॉलेशन डेट है, ये समरी है, डिस्क्रिप्शन है, साइज है। ठीक है, तो बेसिकली RPM -QI से आप ये चीज़ें देख पाते हो। अगर एक चीज़ और मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा, और आप इसे बहुत ध्यान से देखना, कि मेरे पास मान के चलो कोई फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल किस पैकेज से जनरेट हुई है, या उस वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कौन से पैकेज की है। तो उसके लिए इसमें बहुत बढ़िया कमांड है, RPM स्पेस माइनस QI स्लैश ETC NTP.com, ये एक फाइल है, RPM -QF स्पेस लेस ETC, क्योंकि मैंने ETC के अंदर एक मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है NTP.com। ठीक है, इससे मुझे पता लग जाएगा कि ये NTP
इस वाले पैकेज की वजह से ये फाइल इंस्टॉल या इसमें जो है जनरेट हुई है, यानी ये जो फाइल है वो कौन से पैकेज से रिलेटेड है या कौन से पैकेज से रिलेट करता है, तो आपको इसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अकॉर्डिंग भी आप उसका पैकेज ढूंढ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये देखना चाहते हो कि जैसे इसमें कि भाई मेरा NTP वाला मान के चलो ये वाला मेरा एक पैकेज है, ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस पैकेज की और कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है या टोटल इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन कौन सी है। तो RPM स्पेस माइनस QC स्पेस NTP, आपको पता लग जाएगा कि इसकी टोटल तीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको कभी भी पैकेज के बारे में ये पता करना हो कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन कौन सी है, तो RPM माइनस QC स्पेस देके NTP कमांड आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हो कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन की कौन कौन सी फाइल है, तो आप QD लगा सकते हो कि इसके NTP के डॉक्यूमेंटेशन की कौन कौन सी फाइल अवेलेबल है। तो QC से क्या करते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में पता लगाते हैं, QD से डॉक्यूमेंटेशन की फाइल के बारे में पता लगाते हैं किसी भी पैकेज की। लेकिन अगर मुझे QL लगा दूंगा तो इससे कॉन्फ़िगरेशन और डॉक्यूमेंटेशन दोनों के बारे में बता देगा ये। ठीक है, इससे क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल और डॉक्यूमेंटेशन की फाइल दोनों के बारे में बता देगा अगर मैं QL लगा दूंगा। तो ये थे बेसिकली कि हमारे कितने तरह की क्वेरीज होती हैं RPM में वो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके आगे एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।